श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अध्याय 21। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 21 अध्याय। कर्दम जी की तपस्या और भगवान का वरदान। विदुर जी ने पूछा, भगवन, स्वयंभूव मनु का वंश बड़ा आदरणीय माना गया है। उसमें मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई थी। अब आप मुझे उसी की कथा सुनाइए। बहमन, आपने कहा था कि स्वयंभूव मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ने सातों द्वीपों वाली पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया था तथा उनकी पुत्री जो देवहूति नाम से विख्यात थी, कर्दम प्रजापति को ब्याही गई थी। देवहूति योग के लक्षण यमादि से संपन्न थी, उससे महायोगी कर्दम जी ने कितनी संतानें उत्पन्न की, वह सब प्रसंग आप मुझे सुनाइए। मुझे उसके सुनने की बड़ी इच्छा है। इसी प्रकार भगवान रुचि और ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने भी मनु जी की कन्याओं का पाणिग्रहण करके उनसे किस प्रकार क्या क्या संतान उत्पन्न की, वह सब चरित भी मुझे सुनाइए। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान कर्दम को आज्ञा दी कि तुम संतान उत्पत्ति करो, तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तीर पर तपस्या की। वे एकाग्रचित से प्रेम पूर्वक पूजनोपचार द्वारा शरणागत वरदायक श्रीहरि की आराधना करने लगे। तब सत्ययुग के आरंभ में कमलनयन भगवान श्रीहरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने शब्द ब्रह्म में स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दिए। भगवान की वह भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजोमय थी। वे गले में श्वेत कमल और कुमुद के फूलों की माला धारण किए हुए थे। मुख कमल नीली और चिकनी अलकावली से सुशोभित था। वे निर्मल वस्त्र धारण किए हुए थे। सिर पर झिलमिलाता हुआ सुवर्णमय मुकुट, कानों में जगमगाते हुए कुंडल और करकमलों में शंख, चक्र, गदा आदि आयुध विराजमान थे। उनके एक हाथ में क्रीड़ा के लिए श्वेत कमल सुशोभित था। प्रभु की मधुर मुस्कान भरी चितवन चित्त को चुराए लेती थी। उनके चरणमल गरुड़ जी के कंधों पर विराजमान थे तथा वक्षस्थल में श्री लक्ष्मी जी और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। प्रभु की इस आकाशास्थित मनोहर मूर्ति का दर्शन करके कर्दम जी को बड़ा हर्ष हुआ, मानो उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गईं। उन्होंने सानंद हृदय से पृथ्वी पर सिर टेक कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और फिर प्रेम प्रवंचित से हाथ जोड़कर सुमधुर वाणी से वे उनकी स्तुति करने लगे। कर्दम जी ने कहा, स्तुति करने योग्य परमेश्वर, आप संपूर्ण सत्वगुण के आधार हैं। योगीजन उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर अंत में योगस्थ होने पर आपके दर्शनों की इच्छा करते हैं। आज आपका वही दर्शन पाकर हमें नेत्रों का फल मिल गया। आपके चरणमल भवसागर से पार जाने के लिए जहाज हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है, वे ही उन तुच्छ क्षणिक विश्व सुखों के लिए जो नरक में भी मिल सकते हैं, उन चरणों का आश्रय लेते हैं। किंतु स्वामी, आप तो उन्हें वे विश्व भोग भी दे देते हैं। प्रभो, आप कल्प वृक्ष हैं। आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मेरा हृदय काम कलुषित है। मैं भी अपने अनुरूप स्वभाव वाली और गृहस्थ धर्म के पालन में सहायक शीलवती कन्या से विवाह करने के लिए आपके चरणमलों की शरण में आया हूँ। सर्वेश्वर, आप संपूर्ण लोकों के अधिपति हैं। नाना प्रकार की कामनाओं में फंसा हुआ यह लोक आपकी वेदवाणी रूप डोरी में बंधा है। धर्म मूर्ति
उसी का अनुगम करता हुआ मैं भी काल रूप आपको आज्ञा पालन रूप कुजो भारादि समर्पित करता हूँ। प्रभो, आपके भक्त विषयासक्त लोगों और उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करने वाले मुझ जैसे कर्मजड़ पशुओं को कुछ भी न गिनकर आपके चरणों की छत्र छाया का ही आश्रय लेते हैं तथा परस्पर आपके गुणगान रूप मादक सुधा का ही पान करके अपने क्षुधा पिपासादी देह धर्मों को शांत करते रहते हैं। प्रभो, यह काल चक्र बड़ा प्रबल है। साक्षात ब्रह्मा ही इसके घूमने की धुरी है। अधिक मास सहित 13 महीने अरे हैं, 360 दिन जोड़ हैं, 6 ऋतुए नेमी हाल हैं, अनंत क्षणपल आदि इसमें पत्राकार धाराएं हैं तथा 3 चातुर्मासे इसके आधारभूत नाभि हैं। यह अत्यंत वेगवान संवत्सर रूप कालचक्र चराचर जगत की आयु का छेदन करता हुआ घूमता रहता है, किंतु आपके भक्तों की आयु का ह्रास नहीं कर सकता। भगवन, जिस प्रकार मकड़ी स्वयं ही जाले को फैलाती, उसकी रक्षा करती और अंत में उसे निगल जाती है, उसी प्रकार आप अकेले ही जगत की रचना करने के लिए अपने में अभिन्न अपनी योग माया को स्वीकार कर उसे अभिव्यक्त हुई अपनी सत्वादी शक्तियों द्वारा स्वयं ही इस जगत की रचना पालन और सहार करते हैं। प्रभु, इस समय आपने हमें अपनी तुलसी माला मंदिर माया से परिच्छिन्न सी दिखाई देने वाली सगुण मूर्ति से दर्शन दिया है। आप हम भक्तों को जो शब्दादि विश्व सुख प्रदान करते हैं वे माइक होने के कारण यद्यपि आपकी पसंद नहीं है तथापि परिणाम में हमारा शुभ करने के लिए वे हमें प्राप्त हो। नाथ, आप स्वरूप से निष्क्रिय होने पर भी माया के द्वारा सारे संसार का व्यवहार चलाने वाले हैं तथा थोड़ी सी उपासना करने वाले पर भी समस्त अभिलाषित वस्तुओं की वर्षा करते रहते हैं। आपके चरण कमल वंदनीय हैं, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान की भौहें प्रणय मुस्कान भरी चितवन से चंचल हो रही थी। वे गरुड़ जी के कंधे पर विराजमान थे। जब कर्दम जी ने इस प्रकार निष्कपट भाव से उनकी स्तुति की तब वे उनसे अमृतमयी वाणी से कहते लगे। श्री भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने आत्मसंयमादि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय की उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही उसकी व्यवस्था कर दी है। प्रजापते, मेरी आराधना तो कभी भी निष्फल नहीं होती। फिर जिसका चित्त निरंतर एकांत रूप से मुझ में ही लगा रहता है, उन तुम जैसे महात्माओं के द्वारा की हुई उपासना का तो और भी अधिक फल होता है। प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट स्वयंभू मनु ब्रह्मावर्त में रहकर 7 समुद्र वाली सारी पृथ्वी का शासन करते हैं। विप्रवर, वे परम धर्मज्ञ महाराज महारानी शत्रुपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहाँ आएंगे। उनकी एक रूपयौवन शील और गुणों से संपन्न श्यामलोचना कन्या इस समय विवाह के योग्य है। प्रजापते, तुम सर्वथा उसके योग्य हो, इसलिए वे तुम्ही को वह कन्या अर्पण करेंगे। ब्राह्मण, गत अनेकों वर्षों से तुम्हारा चित्त जैसी भार्या के लिए समाहित रहा है, अब शीघ्र ही वह राजकन्या तुम्हारी वैसी ही पत्नी होकर यथेष्ट सेवा करेगी। वह तुम्हारा वीर्य अपने गर्भ में धारण कर उससे 9 कन्याएं उत्पन्न करेगी और फिर तुम्हारी उन कन्याओं से लोकरीति के अनुसार मरीचि आदि ऋषिगण पुत्र उत्पन्न करेंगे। तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करने से शुद्ध चित्त हो, फिर अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पण कर मुझको ही प्राप्त होगे। जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगी और फिर सबको अभ्यदान दे अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे। महामुने, मैं भी अपने अंश कला रूप से
तुम्हारे वीर द्वारा तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ में अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी कर्दम ऋषि से इस प्रकार संभाषण करके इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर प्रकट होने वाले श्रीहरि सरस्वती नदी से घिरे हुए बिंदुसर तीर्थ से जहां कर्दम ऋषि तप कर रहे थे अपने लोक को चले गए। भगवान के सिद्ध मार्ग वैकुंठ मार्ग की सभी सिद्धेश्वर प्रशंसा करते हैं। वे कर्दम जी के देखते देखते अपने लोक को सिधार गए। उस समय गरुड़ जी के पक्षों से जो साम की आधार भूता ऋचाएं निकल रही थी उन्हें वे सुनते जाते थे। विदुर जी श्रीहरि के चले जाने पर भगवान कर्दम उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर पर ही ठहरे रहे। वीरवर इधर मनु जी भी महारानी शत्रुपा के साथ सुवर्णचित रथ पर सवार होकर तथा उस पर अपनी कन्या को भी बिठाकर पृथ्वी पर विचरते हुए जो दिन भगवान ने बताया था उसी दिन शांति प्रायण महर्षि कर्दम के उस आश्रम पर पहुँचे। सरस्वती के जल से भरा हुआ यह बिंदु सरोवर वह स्थान है जहां अपने शरणागत भक्त कर्दम के प्रति उत्पन्न हुई अत्यंत करुणा के वशीभूत हुए भगवान के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी थीं। यह तीर्थ बड़ा पवित्र है, इसका जल कल्याणमय और अमृत के समान मधुर है तथा महर्षिगण सदा इसका सेवन करते हैं। उस समय बिंदु सरोवर पवित्र वृक्षलताओं से घिरा हुआ था जिनमें तरह तरह की बोली बोलने वाले पवित्र मृग और पक्षी रहते थे। वह स्थान सभी ऋतुओं के फल और फूलों से संपन्न था और सुंदर वन श्रेणी भी उसकी शोभा बढ़ाती थी। वहां झुंड के झुंड मतवाले पक्षी चहक रहे थे, मतवाले भौरे मंडरा रहे थे, उन्मत्त मयूर अपने पिछ फैला फैला कर नट की भांति नृत्य कर रहे थे और मतवाले कोकिल कुहकुह करके मानो एक दूसरे को बुला रहे थे। वह आश्रम कदम, चंपक, अशोक, करंज, बकुल, असन, कुंद, मंदार, कुटज और नए नए आम के वृक्षों से अलंकृत था। वहां जलकाग, बत्तख आदि जल पर तैरने वाले पक्षी हंस, कुरर, जलमुर्ग, सारस, चकवा और चकोर मधुर स्वर से कलरव कर रहे थे। हरिन, सुअर, स्याही, नीलगाय, हाथी, लंगूर, सिंह, वानर, नेवले और कस्तूरी मृग आदि पशुओं से भी वह आश्रम घिरा हुआ था। आदिराज महाराज मनु ने उस उत्तम तीर्थ में कन्या के सहित पहुंचकर देखा कि मुनिवर कर्दम अग्निहोत्र से निवृत्त होकर बैठे हुए हैं। बहुत दिनों तक उग्र तपस्या करने के कारण वे शरीर से बड़े तेजस्वी दीख पड़ते थे तथा भगवान के स्नेहपूर्ण चितवन के दर्शन और उनके उच्चारण किए हुए करनामृत रूप सुमधुर वचनों को सुनने से इतने दिनों तक तपस्या करने पर भी वे विशेष दुर्बल नहीं जान पड़ते थे। उनका शरीर लंबा था, नेत्र कमलदल के समान विशाल और मनोहर थे, सिर पर जटाएं सुशोभित थी और कमर में चीर वस्त्र थे। वे निकट से देखने पर बिना सान पर चढ़ी हुई महामूल्य मणि के समान मलिन जान पड़ते थे। महाराज स्वयंभुव मनु को अपनी कुटी में आकर प्रणाम करते देख उन्होंने उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न किया और यथोचित आतिथ्य की रीति से उनका स्वागत सत्कार किया। जब मनु जी उनकी पूजा ग्रहण कर स्वस्थ चित से आसन पर बैठ गए तब मुनिवर कर्दम ने भगवान की आज्ञा का स्मरण कर उन्हें मधुर वाणी से प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहा, देव आप भगवान विष्णु की पालन शक्ति रूप हैं, इसलिए आपका घूमना फिरना निःसंदेह सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के सहार के लिए ही होता है। आप साक्षात विशुद्ध विष्णु स्वरूप हैं तथा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म और वरुण आदि रूप धारण करते हैं। आपको नमस्कार है।
आप मणियों से जड़े हुए जयदायक रथ पर सवार हो अपने प्रचंड धनुष की टंकार करते हुए उस रथ की घर घराहट से ही पापियों को भयभीत कर देते हैं और अपनी सेना के चरणों से रोंदे हुए भूमंडल को कपाते अपनी उस विशाल सेना को साथ लेकर पृथ्वी पर सूर्य के समान विचरते हैं। यदि आप ऐसा न करें तो चोडाकू भगवान की बनाई हुई वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को तत्काल नष्ट कर दे तथा विश्व लोलुप निरंकुश मानवों द्वारा सर्वत्र अधर्म फैल जाए। यदि आप संसार की ओर से निश्चिंत हो जाएं, तो यह लोक दुराचारियों के पंजे में पड़कर नष्ट हो जाए। तो भी वीरवर, मैं आपसे पूछता हूँ कि इस समय यहाँ आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है। मेरे लिए जो आज्ञा होगी उसे मैं निष्कपट भाव से सहर्ष स्वीकार करूँगा।